सम्राट का बेटा मर रहा था, इकलौता बेटा, जवान बेटा। उस बेटे के लिए सम्राट ने पूरी दुनिया से लड़ाई की थी, करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठा की थी। वो बेटा किसी ऐसी बीमारी से मर रहा था जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया कि बस आज की रात निकल जाए तो भी गनीमत। वो रात बहुत भारी पड़ने वाली थी। सम्राट अपने बेटे के पास में उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा हुआ था, बस ऊपर वाले से यही गुजारिश करता हुआ कि किसी तरह कुछ चमत्कार कर दो। सम्राट पूरी रात वहां बैठा रहा और अपने बेटे को निहारता रहा, रोता रहा, सोचता रहा कि ये जो संपत्ति पैदा की, ये इतनी धन दौलत इकट्ठा की है, ये राजमहल, ये सब कुछ जिसके लिए था, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? ये फिर से उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाएगा, ये महल मेरा खंडहर हो जाएगा, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मुझे तो मरना ही है। सोचा था मेरा बच्चा भूखेगा, लेकिन मेरा बच्चा मुझसे पहले ही जा रहा है। यही सब सोचते हुए सुबह के करीब 3-4 बजे होंगे, हल्की हल्की मंद हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी बयार में सम्राट की आंख लग गई और सम्राट ने एक झपकी ली। उसको एक सपना आया, सपना ये कि वो एक ऐसे महल में है जो उसकी महल से सैकड़ों गुना बड़ा है और उसकी सीढ़ियों पर, दरवाजों पर, दीवारों पर सोने चांदी जड़े हुए हैं। उसके पास 12 बेटे हट्टे कट्टे, ऐसे नौजवान बेटे जिनको दुनिया देखती तो दंग रह जाती, वो सारे बुद्धिमान बच्चे उसके हैं, 12 बेटों का वो इकलौता पिता। और वो इतनी खूबसूरत जिंदगी जी रहा है, इतने अच्छे लोगों के से घिरा हुआ है, अपने बच्चों से घिरा हुआ है, और उसके वो 12 के 12 बच्चे इतने स्वस्थ, और वो उसके राज्य को और बढ़ा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो सपने के अंदर वो इतना खुश हो जाता है राजा कि उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आने लगती है। वो सपना शायद उस हकीकत से निकला है, क्योंकि वो जो हकीकत है उसमें उसकी आत्मा यही मांग रही थी कि मेरी संतान स्वस्थ हो, लंबी दीर्घायु वाली हो। तो सपना तो सपना, वो तो बहुत ज्यादा देता है, तो एक संतान क्यों? उसने 12 संतान दी। ऐसा राजमहल क्यों जिसमें ईंटें हों? उसने ऐसा राजमहल दिया जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। सपना था, खुलकर उसने सपना देखा और जिया। अचानक से राजा के पास में बैठी पत्नी, उसने देखा उसके बेटे की नब्ज खत्म हो चुकी है, उसने देखा उसके बेटे की सांसें रुक चुकी हैं और वो दहाड़ मार के रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर राजा का सपना टूटा और उसने जब आंख खोली तो उसका बेटा जा चुका था। अब राजा रोने की बजाय हंसने लगा। ये देखकर पत्नी बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुई और उनको लगा ही था कि राजा इस चोट को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सम्राट को अपने बेटे की मौत की चोट बहुत गहरी लगेगी और शायद लग भी गई है, तभी उसका मानसिक संतुलन हिल गया है और वो हंस रहा है। उसने पूछा, महाराज आप हंस रहे हैं, आपका इकलौता चिराग बुझ गया। वो हंसते हंसते बोला, मैं किसके ऊपर रोऊं? उस सपने के ऊपर जिसमें मेरे 12 बच्चे थे और सब मर गए, सब टूट गया, या इस सपने के ऊपर जिसमें मेरा ये इकलौता था और टूट गया? दोनों ही तो सपने थे। एक अभी देखा मैंने जिसमें मेरे इतने बड़े महल में 12-12 बच्चे थे हट्टे कट्टे, वो सपना टूट गया, और अब ये सामने, ये भी तो एक सपना ही है जो टूट रहा है, टूट गया है। ये बात रानी ने सुनी लेकिन उनके समझ में नहीं आई। उनको बस एक बात समझ में आई कि राजा पागल हो गया है, ये अपने इकलौते बेटे की मौत पर हंस रहा है। यकीन जानिए, अगर आप अपने सपनों में भी जागना सीख जाते हैं तो आप जिंदगी के कई ऐसे नए आयाम खोल ले जाएंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं तो दूसरे हंसते हैं। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।